प्रातस्मरणी आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का शीश लेकर भारत देश की प्रेम सेवा की भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल ग्राम हिरणखेड़ की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, संत कबीर ने 84 नंबर रमैनी में पूरे संसार की नर नारियों के लिए बहुत अच्छी बात कही है। ए जियरा तई अपने दुखें संभार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, हे जीव तू अपने आप को दुखों में डूबने से संभाल ले। जिस दुख में सारे संसार के लोग डूब रहे हैं, मनुष्य एक है लेकिन दुख अनेक है, नाना प्रकार के दुखों के चंगुल में फंसा हुआ इंसान टेंशन और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक चिंता चित्त को नोचती रहती है, टेंशन मन की शांति को नष्ट करता है। कभी कभी तुम प्राणियों से दुखी होते हो, कभी कभी तुम परिवार के सदस्यों से दुखी होते हो, कभी कभी तुम बीमारियों से दुखी होते हो और कभी कभी तुम गरीबी के कारण दुखी होते हो और कभी कभी पड़ोसियों के कारण दुखी होते हो और कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदार तुमको दुखी करते हैं और कभी कभी चोरों के कारण दुखी होते हो और कभी कभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है जिसके कारण भी तुम दुखी हो जाते हो। कभी कभी तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको कार्य नहीं मिलता है इसलिए दुखी होते हो और कभी कभी तुम स्वभाव के कारण दुखी होते हो, कभी तुम्हारे चरित्र की गलती के कारण तुम बहुत टेंशन झेलते हो और कभी कभी तुम अपने व्यवहार बर्ताव की गलतियों के कारण भी दुख उठाते हो। बड़ा विचित्र संसार है, मनुष्य का स्वभाव ही उसको दुख देता है, मनमानी करने की आदतें भी दुख देती है, आलस्य भी कभी कभी तुमको दुख में ढकेल देता है और तुम्हारा अभिमान भी तुमको दुख की चट्टान से टकरा देता है और कभी कभी तुम्हारा क्रोध तुमको दुख की आग में जलाता है और कभी कभी तुम दूसरों से ईर्ष्या करते हो, उस ईर्ष्या के कारण तुम दुख में जलते रहते हो और कभी कभी मनुष्य नशा व्यसन की आदतों के कारण दुख पाता है।
कभी तुम्हारे पड़ोस में कोई बेईमान रहता है और तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेता है तो भी तुम बहुत दुखी होते हो। तुम्हारे खेत के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर गुंडागर्दी दिखाता है कि आइए देख लूंगा तुमको। अब तुम सोचते हो कि जमीन छोड़ो कि जान छोड़ो, मकान दे दूं कि जान दे दूं, इससे कितनी लड़ाई करना पड़ेगा। कभी तुम अपने जानवरों के कारण भी दुखी होते हो। कोई जंगली जानवर आकर तुम्हारी फसल को उजाड़ देता है जिसके कारण भी दुखी हो जाते हो। और कभी कभी एक्सीडेंट के कारण भी तुमको दुख होता है। अब मनुष्य एक है और इसके दुख के कारण अनेक है। कभी कभी इंसान उसके कोई संतान नहीं होती है जिसके कारण बहुत दुखी होता है। महाराजा दशरथ अपने सिर पर मुकुट लगा रहे थे, उसी समय उन्होंने शीशा देखा, दर्पण देखा, तो दर्पण में उनको दिखाई दिया कि कान के बाल पक गए हैं। कितने लोगों के कान में बाल होते हैं और जिनके कान में बाल होते हैं, याद रखना वे लोग प्रायः धनवान होते हैं। ज्यादा कान में बाल हैं तो फिर वे राजा महाराजा भी बनते हैं, और जिनके कान में बाल नहीं है वे सुखी इंसान होते हैं, और जिनके दांत बड़े बड़े हैं वे प्रायः बुद्धिमान होते हैं, और जिनके दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं वे प्रायः मूर्ख होते हैं, और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े इधर उधर होते हैं वे कभी न कभी धोखेबाज होते हैं, और जिनके दांत शेर जैसे नुकीले होते हैं वे बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, और जिनकी नाक बहुत बड़ी होती है नाक, अरे ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तुम सबकी नाक ही देखते रहो, तो मैं चूक गया, इतना भी नहीं बताना चाहिए था, बेचारे संकोच में लोग पड़ जाएगा किसी का नाक मोटी हो छोटी हो, ये सब ज्योतिष नहीं बताऊंगा, चलो छोड़ता हूं इस प्रसंग को। तो राजा दशरथ ने देखा कि मेरे कान के बाल पक गए। राजा दशरथ रोने लगे और अपनी मंत्री से कहा कि मंत्री क्या मैं बूढ़ा हो गया? मंत्री ने कहा कि महाराजा दशरथ क्या इसमें कोई संदेह है, आप तो बहुत दिनों से बूढ़े हो चुके, आपने कान के बाल पके हुए तो आज देखा है, बुढ़ापा तो आपका 15-20 साल पहले से आ चुका है। राजा दशरथ रोने लगे। मंत्री ने कहा कि राजन जनता रोए तो कोई बात नहीं है, लेकिन राजा अगर रोता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्यों रो रहे हो? कई बार तुम रोते हो लेकिन तुम्हारे रोने का कारण किसी दूसरे को पता नहीं होता है, और रोने का कारण सबको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे दुख को मिटाने वाले कम लोग हैं, तुम्हारी हंसी उड़ाने वाले ज्यादा लोग हैं, और सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए, ये भी याद रखना, सबके सामने मत रोया करो। उसके सामने रोना चाहिए जो तुम्हारा रोना समाप्त कर दे, दुख दूर करे, और उसके सामने प्लानिंग बनाना चाहिए जो प्लानिंग में मदद करे। ऐसे लोगों की अपनी प्लानिंगें मत बताइए जो लोग तुम्हारी प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं, व्यवस्था भंग कर सकते हैं। मनसा चिंतितम,
मंत्रो दृच्छेद गूढ़म चा अपि कार्यी नियोजयेत। बुद्धिमान व्यक्ति बनाई हुई योजनाओं को अपने मन के भीतर छिपाकर गुप्त रूप से रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। परंतु जब वो बुद्धिमान व्यक्ति, याद रखना, किसी को प्लानिंग बताना शुरू कर देता है, उसके योजना को पूर्ण होने में बाधाएं आने लग जाती है। इसलिए अपनी योजनाओं को सबको मत बताइए, गुप्त रखिए, ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है। आपकी बेटी का विवाह कहीं से तय हो जाए, गांव में सबको मत बताओ। सगाई हो जाए, बस उन लोगों को बताइए जो मदद कर सकते, अन्यथा गांव में कोई ईर्ष्यालु होगा, तुमसे जलन करता होगा, तो बेटी के विवाह में बाधा डाल देगा। इसलिए सबको बताना नहीं चाहिए। तुम पेट्रोल पंप लगाना चाहते हो, गांव में शोरगुल मत मचाओ, क्योंकि गांव के लोग भोले भाले होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई व्यक्ति गांव का ऐसा हो कि पेट्रोल पंप लगाए, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि गांव में डीजल पेट्रोल लेने में उनको दुख लगता है। उनको अच्छा लगता है कि हमको लेने के लिए अठनेर जाना पड़े तो ज्यादा अच्छा। गांव के लोग ऐसा सोचते हैं कि हमसे बड़ा आदमी कोई दूसरा होने ना पाए, इसलिए तुम्हारा खेल बिगाड़ सकते। और जिस गांव के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, वो गांव केवल गांव नहीं है, याद रखना वो गांव ही तो तीर्थ स्थान है। जहां पर एक दूसरे से जलन खलन नहीं है, वो जगह तीर्थ बन जाती है। थोड़ा तालियां भी जोर बजाओ करे, ये ऐसी मरी मराई तालियां। बहुएं फैशन में, अब बेटा एक्शन में, सासू रिएक्शन में, और ये श्रोता बैठे टेंशन में। थोड़ा जोर से ताली बजा दिया करो, थोड़ा हंस भी दिया करो, हंसो। जैसे आपने देखा होगा ना, एक तो पागल हंसता है, दूसरा ज्ञानी हंसता है, और जो ज्ञानी भी नहीं और पागल भी नहीं, वो कहीं ना कहीं फंसता है, हंसता नहीं। इसलिए थोड़ा हंस दिया करो, गुरुजी को दांत दिखा दिया करो, नहीं गुरुजी सोचेंगे दांत गायब हो गए सबके, क्या बात है। खुश रहने की आदत बना लीजिए, साहिब बंद की बोलिए, क्या सुना रहा था, भूल गया मैं तो, क्या बता रहा था, राजा दशरथ, हाँ बस बस पकड़ लिया तो। दशरथ छूटेगा नहीं जब तक मरेगा नहीं। महाराजा दशरथ दुखी है, उनका मन द्रवित हो गया है। मंत्री से रोते हैं और कहते हैं कि मंत्री, बुढ़ापा आ गया है लेकिन कोई संतान नहीं, ये राजपाट कौन लेगा। बहुत बड़ा सवाल है मनुष्य की जिंदगी का। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति गरीबी से उतना दुखी नहीं होता है जितना संतान न होने से दुखी होता है, क्योंकि उसके साम्राज्य को भविष्य में कौन संभालेगा, अब उसका ये वंश कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी बात। जिस राजा के कोई बेटा नहीं है, अब वो राजवंश
नष्ट होने वाला है। कभी कभी किसी किसी गुरु को भी चिंता होती है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मेरी इस धर्म भक्ति के साम्राज्य को कौन संभालेगा। सूरत गुजरात के भक्त कामरेज के डॉक्टर मेघजी भाई प्रजापति कह रहे थे, मैं आपको गुरु तो बना लूंगा, इच्छा है, लेकिन आपके बाद आपके पद को कौन संभालेगा जो कि मेरे आने वाली पीढ़ी का गुरु बन सके। अगर उसका पता चल जाए तो मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि डॉक्टर मेघजी भाई प्रजापति, तुम्हारे बाप ने ये नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो। ये नश्वर संसार में हो सकता है कोई योग्य आए ना आए, तो जैसे आपने कोई नया अच्छा गुरु ढूंढ लिया है, ऐसे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी अपने कल्याण के लिए वर्तमान में कोई अच्छा गुरु ढूंढ लेगी, चिंता ना करो। तो वे पिता पुत्र माँ पत्नी बच्चे भाई परिवार सहित गुरु मंत्र लिया और सूरत कामरेज में बड़ा प्रवचन करवाया। याद रखना, मनुष्य को भविष्य की चिंता होती है, भूतकाल का पश्चाताप होता है और वर्तमान में उसका मन ठहरता नहीं। तुम्हें अभी जो मिला है इसका तुम आनंद नहीं ले पाते हो और जो तुम्हारा खो गया है भूतकाल में उसका पश्चाताप कर रहे हो। जो भविष्य में होने वाला है उसके संबंध में संदेह करके तुम चिंता कर रहे हो कि क्या होगा। इसलिए आदमी सुखी नहीं होता है, क्योंकि जो मिला है उसमें उसका दिल नहीं लगता है और जो मिल करके खो चुका है उसके पश्चाताप में मन व्यथित रहता है और जो मिलने की उम्मीद है उसके लिए उसका मन लालायित रहता है। लेकिन जिसके मिलने की उम्मीद है वो मिले न मिले उसका भी क्या पता है और जो मिलकर भी खो चुका है वो उसका पश्चाताप करने से भी क्या फायदा है और जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहे हो, ये जिंदगी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आदमी सेटिस्फाई नहीं है। जो तुम्हारे पास गाड़ी है उससे तुम संतुष्ट नहीं, जो मकान है उससे संतुष्ट नहीं, जो तुम्हें पत्नी मिली उससे संतुष्ट नहीं, पति से संतुष्ट नहीं, जो तुम्हें घड़ी मिली बांधने के लिए उससे भी तुम संतुष्ट नहीं, जिस लड़की के साथ विवाह करने के लिए तुम सोच रहे थे कि हे भगवान किसी प्रकार से इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए, बस इसके बाद तेरे से कुछ नहीं मांगूंगा, और कदाचित भगवान की कृपा हुई या तेरे भाग्य में ही वही लड़की थी उसी के साथ तेरा विवाह हो भी गया, विवाह के दिन तुम खुश हो, विवाह की बातें सुनकर खुश हो, विवाह के बाद वो लड़की घर आ गई, दुल्हन बन गई, पत्नी बन गई, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, और फिर एक दो साल के बाद में उस लड़की ने अपने स्वभाव को पूरा प्रकट किया, इंग्लिश बोलना शुरू किया, उर्दू अरबी में बात करना शुरू किया, तुम बेहोश हो गए, तुम भगवान से कहते हो भगवान इस लड़की से छुटकारा मिल जाए चंडिका देवी से, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगूंगा तेरे से। ये क्या हो गया तुम्हारा, दो ही साल में उलट पलट कर दिया। जो चीज नहीं मिलती है उसकी लालसा तुम्हारे मन में ज्यादा रहती है और जो चीज मिल जाती है उससे धीरे 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 तुम्हारा मन दुखित होकर व्यथित होकर घायल होकर उसका त्याग करने के लिए सोचने लग जाता है।
इसलिए बहुत कम ऐसी स्त्रियां होंगी जो अपने पति से मधुर बात करती हो। जब पति से बात करती हैं तो एकदम गुस्सा में बात करती हैं। बहुत कम ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से मृदु बात करते हो। हाँ, गांव की पड़ोस की दूसरी स्त्री से बहुत मीठी बात करते हैं, और वो भी गांव पड़ोस की कोई दूसरी पुरुष से बात करती कि हाँ ये लड़का अच्छा है, राजकुमार ठीक। अब याद रखना, जिससे तुम मधुर बात कर रहे हो, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, ना वो तुम्हारा पति है ना पत्नी है, उससे मिठास बहुत आ रही है, अगर उसके साथ विवाह हो जाता तब तुम और ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि वो नंबर वन का नालायक है। ये ऐसा क्यों होता है? विवेक ना होने के कारण और संतोष ना होने के कारण। तुम हजार पत्नियां बदल दो, हजार पति बदल दो, हजार गुरु बदल दो, हजार चेला बदल दो, हजार मकान बदल दो, हजारों गाड़ी बदल दो, लेकिन किसी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में तुम संतुष्ट तब तक नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हारे पास में विवेक नहीं है। और विवेक जिस दिन जागृत हो जाएगा तो तुम बिना वस्तु के भी खुश रहोगे और बिना कुछ प्राप्त हुए भी तुम तृप्त रहोगे। अपने मन को समझाना भी सीखिए। जो मिलता है उससे तुम ऊब जाते हो, और जो खो जाता है उसके पश्चाताप में तुम डूब जाते हो। जो मिलता है उससे तुम ऊब जाते हो, जो खो जाता है उससे तुम पश्चाताप में डूब जाते हो, और जो मिलने वाला है उसका तुम इंतजार खूब करते हो कि मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन जीने की कला इसका नाम नहीं है। जीने की कला उसको कहते हैं जो खो गया है उसको भुला दीजिए, जो मिल गया है उसका आनंद लीजिए, जो मिलने वाला है उसके लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा है उसको दिल से त्याग कीजिए और हंस करके जिंदगी गुजार दीजिए। ये जीने का ढंग है। सीधे बैठो, सीधे नहीं बैठे और सीधे करो, कमर को टाइट करो। ये जीरा तई अपनी दुख ही संभार, जेही दुख व्यापी रहा संसार। बाबा, हे जीव तू अपने दुखों को संभाल, तरह तरह के दुख हैं। कभी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है तुम दुखी होते हो। स्वास्थ्य के लिए संयम कीजिए, थोड़ा खान पान में बदलाव कीजिए, और थोड़ा सा याद रखना, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम, ढोल बजाता मेंढक आया छम छम छम, भालू ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। कौन रो रहा है? इसकी मां संभालती क्यों नहीं है? संभाल ले। बहुत समझने की बात है। क्या सुना रहा था? स्टोरी थी कोई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्चते। उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की कंडीशन प्राप्त होती है, जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है और सुख के आने पर और सुख मिले ऐसा लालच नहीं करता है, और जिसका कहीं पर राग नहीं, चिपकाव नहीं, आसक्ति नहीं, ममता नहीं,
जिसके अंदर कोई भय नहीं है, भय नहीं तब भय नहीं होता है जब उससे कोई गलती नहीं होती, उसके मन में कोई गलत भावना नहीं आती, वो भय मुक्त हो जाता है। और जो अपने क्रोध को भी नियंत्रित करता है, क्रोध को कंट्रोल करता है, वह व्यक्ति जो है सारे दुखों को जीत करके मुस्करा कर जिंदगी जीता है। क्रोध, यदि क्रोध को कम करना है, थोड़ा मिर्ची भी कम खाइए। आलस्य को कम करना है तो मीठा कम खाइए। यदि बुद्धि को कम करना है तो भोजन थोड़ा ज्यादा खाइए। जिनका पति ज्यादा बुद्धिमान हो, चतुर हो, बात सुनता ना हो, तो उसको ठोस ठोस कर खिलाओ, बिल्कुल गले तक भरो उसके, ठसा ठस। 6 महीने में मुंह रख हो जाएगा, फिर कोई जवाब नहीं देगा, पड़ा रहेगा ऐसे जैसी मोटी ढोल पड़ी रहती है, ढम ढम ढम। तुम सोचोगे ये पति मिला है कि पाड़ा पड़ा है। इसलिए स्त्रियां जो होशियार है वो अपने पति को खूब खिलाती, 2 और पूड़ी डाल देती है, और पति जो मुंह रखे वो पत्नी की ओर देखता है कि 2 पूड़ी और डाला है तो खुश होता है कि अरे मेरे को बहुत मानती है, अरे तेरे को मूर्ख बना देगी। बुद्धि खत्म, खाली खोपड़ी रह जाएगी बस। इसलिए ज्यादा मत खाना, कभी भी नहीं, चूकना मत। और 1 रोटी तो गुरु जी के नाम से बचाया करो रोज। यहाँ ये 5000 लोग बैठ गया है, 5000 रोटी बचा लो, 1 रोटी 2 रुपये की, 10,000 रुपये रोज बचेंगे तो कितना, 3 लाख रुपये महीना, कितना, 36 लाख रुपये साल, कितना, 36 लाख में 18 लाख तुम रख लो, 18 लाख हमको दे दो, तो प्रयाग कुंभ में भंडारा करूं, लेकिन तुम 2 रोटी और ज्यादा खाते हो, तुम खुद ही पचड़े फंसे। रोटी का दान करो, 1 रोटी का सवाल है बस। और यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो तो भोजन जितना खाते हो उसका आधा कर दीजिए, और यदि चिंता मुक्त होना चाहते हो तो प्रवचन अधिक सुनिए, 10 मिनट ध्यान में बैठिए सुबह शाम, ज्ञान को सही ढंग से प्राप्त कीजिए, और परिवार में तालमेल बनाकर रहिए, उन्नति के लिए हमेशा विचार कीजिए, गरीबी को आने मत दीजिए, नशा व्यसन में पड़िए मत, आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। ये सब करना बहुत बड़ी बात है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता है, और ज्यादा खाने से कोई स्वस्थ नहीं रहता है, और बिल्कुल ना खाने से कोई जिंदा नहीं रहता है, और बहुत अधिक खाने से बहुत बीमारियां। देहात के लोगों को थोड़ा खेत में भी काम करना चाहिए, 3 घंटे खेत में धूप लगे आनंद आ जाए, ऐसा काम कीजिए। महिलाओं को तो भोजन खूब दौड़ दौड़ कर बनाना चाहिए, साफ सफाई घर की रखो, और गुरु का अच्छी तरह से ध्यान कीजिए, और गुरु से मन ही मन गुरु को भी पता ना चले, और उनसे मांगिए कि गुरुदेव ये काम आपके कृपा से होना चाहिए। गुरु भी जान नहीं पाएगा और काम हो जाएगा, चुपके से आशीर्वाद मिल जाता है। श्रद्धा पूर्वक और क्रोध को राक्षस भी कहा गया है, ये साधारण चीज नहीं। अत्यंत कोपा,
जिस मनुष्य के जीवन में 6 बातें हैं उसके जिंदगी में नरक बनता है। नंबर 1 अत्यंत कोपा। नीति शास्त्र में लिखा है जो अत्यंत क्रोधी है, जिसको बहुत क्रोध आता है, खाम खाम नाक भनभनाता रहता है, खाम खाम में मुंह फुला के बैठता है, अगर वो पावर में पहुंच जाए तो सर कलम कर दे तुम्हारा, इतना क्रोधी नेचर है, एकदम सांप की तरह फुफकारता है। हो सकता है पिछले जन्म में सांप ही हो और मरकर डायरेक्ट मनुष्य हुआ है, तो सांप की आदत नहीं छूटी फुफकारने की, कभी विवेक करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, उल्टा पलटा कर। और क्रोधी मनुष्य धीरे 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 लक्ष्मी को खो देता है। क्रोधी के घर में शांति नहीं रह जाती है, इसलिए मिर्चा कम खाना, तेल कम खाना, बेसन की चीजें कम खाना, ये क्रोध को बढ़ाने में मदद करती है। पपीता खाने से क्रोध कम होता है, मूली गाजर खाने से क्रोध कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये भी मीडियम थोड़ा थोड़ा। और गम खाने से क्रोध की ज्वालामुखी बुझ जाती है। और अपनी गलतियां स्वीकार करने से क्रोध और अभिमान दोनों का शमन हो जाता है। जिस समय तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो उसी समय तुम्हारे अहंकार का अंत होता है और जीवन बसंत होता है और आपका हृदय शांत हो जाता है। बार बार गलतियां मत किया करो, इससे मनोबल कम हो जाता है। गलतियों को दोहराया न करो, इससे जिंदगी में संकोच आ जाता है। और गलती करने वालों की संगत ना किया करो, इससे तुम्हारा क्रेडिट, तुम्हारा ग्राफ, तुम्हारी शाख गिर जाती है। अच्छे लोगों की संगत किया करो, इससे ऊपर उठने का चांस मिलता है। और याद रखना, मन में गलती के विचार भी न लाया करो, इससे भय लगता है। और जहां भय होता है वहां शांति कहां, और जहां शांति नहीं वहां सुख कहां रह सकता है। यदि आपके मन में किसी के चप्पल उठाने के विचार है, अभी उठाया नहीं है, खाली मन में भावना है उठाऊंगा, इसी भावना से तुम्हारे भीतर भय पैदा हो गया है कि उठाऊंगा देख लेगा तो क्या होगा, उठाऊंगा जो पकड़ लेगा तो क्या होगा, उठाऊंगा तो 50 लोगों में इज्जत चली जाएगी तो क्या होगा, चप्पल चुराऊंगा तो लोग हमको डांटेंगे पीटेंगे तो इज्जत का क्या होगा। अब ये सारा गणित अंदर चल रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, और तुम खाली भावना कर रहे हो कि चप्पल उठाऊंगा। इसलिए आजकल लोग सत्संग में भी जाते हैं तो चप्पल अपने पास रख लो। कितने लोग तो चप्पल अपने बिस्तर के नीचे रख लेते हैं, उनके पाँव में थोड़ा थोड़ा चुभता रहता है, लेकिन कहते छोड़ूंगा नहीं, नहीं तुम मिलोगे नहीं दोबारा। कितने लोग ज्यादा खिलाड़ी है तो चप्पल जूते आगे धर के बैठते हैं, कहते हैं गुरुदेव तो कल फिर मिल जाएंगे, पर ये चप्पल देव नहीं मिलेंगे, उनका ध्यान रखते हैं। और कितने लोग बहुत ज्यादा होशियार है तो चप्पल के ऊपर ही बैठ जाते हैं, जब मुझे ढके लोगे भटूंगा तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्या करे लोग, कई बार धोखा हो चुका। एक पटवारी मेरे सत्संग में आया, कह रहा था कि 16,000 का जूता चला गया है। हमने कहा दक्षिणा कितना दिया था, बोले दक्षिणा तो केवल 20 रुपये दिया। हमने कहा इसी ले गया है, कंजूस, टांग बच गई वही बहुत है, जाने दो जूता, थोड़ा दान करो तो भी कुछ पुण्य से भी बचाव होगा। दान पुण्य करने से, धर्म करने से, भक्ति करने से, सेवा परोपकार करने से तुम्हारे बच्चों को भी सफलता मिलती है।
गौ सेवा करने से, संत सेवा करने से, गुरु सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से, अतिथि की सेवा करने से, ग्रामवासियों की सेवा करने से, बड़े लोगों की सेवा करने से, गरीबों की सेवा करने से तुम्हारे भाग्य में डबल उन्नति होने लग जाती है। इसलिए सेवा करना चाहिए। वस्त्र दान देने से, रक्त दान देने से, समय दान करने से, श्रम दान करने से, वस्तु दान करने से, भूमि दान करने से और धन दान करने से, अन्न दान करने से मनुष्य के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए दान करना चाहिए। अपनी दुकान में किसी तपस्वी तेजस्वी महान संत का चित्र लगाने से दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लग जाती है। अपने घर में महान पुरुषों की तस्वीर लगाने से, भजन बजाने से, प्रवचन बजाने से, प्रवचन सुनने से सुबह शाम गीत का गुंजार उठे तो घर में दुख और दरिद्र दूर होने लग जाता है। सुख शांति और लक्ष्मी घर में आने लग जाती है। इसलिए घर में सत्संग की आवाज गूंजनी चाहिए। माता पिता के पैर छूने से, बड़े भाई के पैर छूने से, भाभी के पैर छूने से, सास ससुर के पैर छूने से, बड़ों का सम्मान करने से अपने घर में कभी भी दरिद्र नहीं आता है। वहां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए पैर भी छूना चाहिए। सफाई शुद्धता रखने से, सामान को केयर करने से, दुरुपयोग न करने से, जिंदगी का सदुपयोग करने से अपनी जिंदगी में कभी दुख नहीं आते हैं। इसलिए अत्यंत कोपा, अत्यंत क्रोधी स्वभाव जिसका है उसके घर में नरक हो जाता है। क्रोध को काबू करो। कपिल मुनि को क्रोध आया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र मारे गए। बहुत मार्मिक बात है। दुर्योधन के पास में क्रोध भी है, अभिमान भी है, लोभ भी है, तो दुर्योधन के साथ में उसके सैकड़ों भाइयों का विनाश हुआ। 18 अच्छोड़ी सेना मारी गई। कंस के पास में अहंकार भी है, गुस्सा भी है, लालच भी है, कंस का भी विनाश हो गया। कटुकाचा वाणी, और जिसकी वाणी हमेशा कड़वी रहती है, तीखी रहती है, बड़ी विचित्र है वाणी। वाणी में कितना फर्क होता है, थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता है। कोई बहुत गलती करे तो डांटने के समय उसको डांट दीजिए, लेकिन फिर उसको प्रेम से बोलिए। डांटना भी पड़ता है कभी कभी। डांटना बुरा नहीं है, डांटना बहुत पुण्य का काम है। यदि किसी को तुमने डांट दिया है, अभी हमारे साथ का एक संत बता रहा था कि हमारे पिताजी बहुत जोर से झापड़ मारते थे अगर कोई गलती हो जाए तो। मैंने कहा, पिताजी से तुम नाराज होते थे? बोले, नाराज नहीं, आज उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर वो झापड़ न मारते, इतना अनुशासन रखते, तो मैं साधु नहीं हो पाता, मैं तो डाकू हो जाता। हाँ, तो धन्य है मेरा पिता। अगर तुम्हारी मां तुमको डांटती है तो समझ लेना तुमको वो मीराबाई जैसी बेटी बनाना चाहती है, सीता अनुसुईया जैसी बेटी बनाना चाहती है। और यदि आपका भाई आपको समझाता है, समझा रहा है भाई, तो आपका भाई आपको महान बनाना चाहता है। समझाते तुम उसी को हो जिसको तुम अपने से ज्यादा मानते हो, डांटते तुम उसी को हो जिसको बहुत ज्यादा मानते हो, और जिसको मानना छोड़ देते हो उसको समझाना भी तुम छोड़ देते हो, डांटना भी छोड़ देते हो। जो तुम्हारे दिल से बाहर निकल जाता है उसको समझाने का भी मन नहीं होता है। जिसका कब्जा तुम्हारे दिल में होता है उसको बार बार समझाने की इच्छा होती है। उत्तर प्रदेश से एक फोन आया कल की, मेरा बेटा मेरे पास बैठता नहीं,
तो हमने कहा किसके पास बैठता? बोले मुसलमान लड़कों से दोस्ती उन्हीं के साथ घूमता रहता है। मैं बहुत दुखी हूँ। बोले एग्जाम देने गया लखनऊ में, कार से गया। वहाँ एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा अफसर ने, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? तो उसने कह दिया नहीं है। बोला तुम जाओ, तुम फेल हो। अब बोला मेरे चार चार कार है, दो दो तीन तीन मोटरसाइकिल है, उसको बोल देना चाहिए कार भी है मोटरसाइकिल भी है जीप भी है, लेकिन इतना बुद्धू है फेल होकर आ गया। इंटरव्यू में अफसर लोग कुछ और नहीं पूछते हैं, ये तो फालतू बातें पूछते हैं इंटरव्यू में। ऐसे पूछते हैं ना, तुम्हारे घर में कितनी भैंस है? अब तुम सोच रहे हो भैंस बता दूंगा तो ये सोचेगा भैंस चराता होगा, इतना मूर्ख ही अफसर बनेगा, बर्बाद कर देगा। तो तुम कहोगे हमारे घर में कोई भैंस नहीं, झूठ बोल दोगे। और जब झूठ बोलोगे ना तो वो समझ जाएगा जब भैंस को नहीं पाल सकता है तो पूरे जिले को क्या खाक चलाएगा, बेवकूफ आदमी, चलो हटो निकलो यहाँ से। तुम कह दो भैंस है और भैंसा भी है। बोलो। इंटरव्यू लेने वाले अफसर लोग ऊटपटांग बातें पूछते हैं, पूछते तुम कितने भाई हो? अब तुम सात भाई हो बोलोगे, शर्मा जाओगे कि सात भाई? बोलेगा आधा आधा दर्जन बने घूमते तो। तब तुम बोल दोगे हम दो ही भाई। अब झूठ बोल दिया तो समझ गया जब दो भाई है तो ये नौकरी करेगा तो घर में कौन रहेगा, चलो फेल हो गए जाओ। तुम बोलो हम सात भाई है तो बोलेगा चलो नौकरी करो तुम, घर में दो चार और रहे। हाँ चतुर बनो, सही बात बोलो। और ये इंटरव्यू तो फालतू है सब। ये इंटरव्यू बीच में क्यों रखा जाता है आपको पता है? तुम्हें पता, हमको पता, सबको पता, लेकिन रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इंटरव्यू का क्या अर्थ है? जब रिटर्न परीक्षा हो गई, रिटर्न एग्जाम हो गया, एमएससी टॉप करके आया है और रिटर्न में पास हो गया, तो इंटरव्यू का क्या लेना देना? मतलब इंटरव्यू के माध्यम से ही तो लेन देन हो सकता है थोड़ा। हाँ आखिरी दांव है, जिसका मनी राम पहुंच जाएगा वो पास, और जिसके मनी राम नहीं पहुंचे वो सत्यानाश। हाँ ये है सब खेल फालतू। जब वो व्यक्ति हाई स्कूल फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट, एमएससी फर्स्ट, इंजीनियरिंग में फर्स्ट और फिर रिटर्न परीक्षा में फर्स्ट, तो इंटरव्यू का क्या मतलब निकला? बोलो अब काहे का इंटरव्यू लेते हो तुम? बस वही है उसको बेवकूफ बनाना है, खाम खां की टेंशन देना है। और फिर इंटरव्यू में पूछते क्या है? ऊट पटांग बात, फालतू बात। मैं भी देखता हूं लोगों को, किसी योग्य प्रतिभावान व्यक्ति को बार बार सताओ मत इंटरव्यू पिंटरव्यू लेकर, उसको अवसर दीजिए, देश के विकास में काम करने का मौका दीजिए। ये भारत देश के लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के बुद्धिमान लोग, प्रतिभावान लोग सब विदेश जा रहे हैं, विदेश, अमेरिका, लंदन, कनाडा, किर्गिस्तान, रूस, दुबई, सब विदेशों में हिंदुस्तान का दिमाग पहुंच रहा है। तो जब बुद्धिमान प्रतिभावान विदेश में चला जाएगा तो इस देश का विकास कैसे होगा? सोचो, प्रतिभावान लोगों को संभालना चाहिए। अब प्रतिभावान व्यक्ति तभी टिक सकता है जब उसके अनुकूल उसको वेतन भी मिले, उसको फैसिलिटी भी मिले, उसको थोड़ा सेटिंग भी मिले, तो प्रतिभावान टिकेगा। यहाँ तो प्रतिभावान इधर उधर ठोकर खाता घूमता रहेगा, उसको कोई गुंजाइश ही नहीं। प्रतिभावान, तो मेरा तो निवेदन है कि इंटरव्यू मत लो, जो पास है तो निकालो, आगे बढ़ाओ उसको। हाँ बार बार उसको सताओ मत, टेंशन मत, तो बेचारा दुखी होता है। एक आईएएस परीक्षा में बैठा हुआ बालक बोला सात बार फेल हो चुका हूं। तो हमने कहा हाई स्कूल डिवीजन? बोले ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन है, रिटर्न में सब पास कर जाता हूँ, इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। तुमने कहा इंटरव्यू में पूछते क्या है? बोले पूछते पूछते क्या है, पूछते हैं तुम्हारे बुशर्ट में कितने बटन? वो कहते देखना मत ऐसे बता दो। तो कौन बटन गिन के गया? बोले वो नहीं बता पाए, बस कहे निकल जाओ, चलो हो गया। पूछता है तुम्हारे पेंट में कितने बटन है?
आजकल फैशन के युग में तो लोग बुशर्ट में यहां भी बटन लगा देते हैं, यहां भी लगा देते हैं, इधर भी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कटुका चवाणी अत्यंत कोपा, अत्यंत कोपा कटुका चवाणी दरिद्रता चा सुजने सुबैरम। और जिसके घर में दरिद्र है, ये बहुत बड़ी बात है, गाइए संत लोग, दरिद्र को निकालना। जिसके घर में दरिद्र है उसके घर में नरक रहेगा। और दरिद्र की पहचान है, जिसके घर में किसी को संतोष नहीं है तो समझ लो वह घर सबसे ज्यादा दरिद्री है। ऐसा नहीं कि कम धन है वो दरिद्री है, जिसको संतोष बिल्कुल नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्री होता है। संतोष रखना चाहिए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष धन है, संतोषम परमम सुखम। लेकिन संतोष का गलत अर्थ मत कर लेना। संतोष का अर्थ ये नहीं है काम ना करना। संतोष का अर्थ ये नहीं कि आराम करते रहना, सोते रहना, निठल्ले बैठे रहना, आलसी बनकर घूमते रहना, ये संतोष का अर्थ नहीं है। ये तो निकम्मा होने का अर्थ है। संतोष का अर्थ है काम भी करो, मेहनत भी करो, पढ़ाई भी करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, और जो उसका रिजल्ट मिले उसमें अपने आप को संतुष्ट रखो, इसी का नाम संतोष है।